अरे बोल, ये तो क्या बन गया है यार। ही 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 यार, क्या ही मस्त लग रहा है यार। ही ही, और कुछ दिमाग लगा, और दिमाग लगा है, सेलिस्टल के साथ लड़ेगा। अरे गाइस सीरियसली यार, मेरे साथ ये क्या हो गया यार। अरे बनी, तेरे कारण से मैंने फाइट करा था ना। अरे इसका स्पीड तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि तू अभी सिर्फ एक हड्डी है ना, मांस तो है ही नहीं, शरीर में कुछ मसल नहीं होगा तो ऑब्वियसली तेज तो होगा ही ना। अरे मेरे को मार के कुछ नहीं होगा रे स्केलेटन टीरेक्स, मैं तो खाली एक टॉनी ड्रैगन हूँ। डम है तो एक अल्फा टॉनी ड्रैगन को मार के दिखा। चल यार, तूने इंसल्ट तो कर दिया, तेरे को मार के क्या ही करेंगे। तू तो एक जेरोबा के पीछे भाग रहा है। तेरे रोबोट को क्या हो गया भाई? ओए ओए ओए, ये कैसे उड़ गया है? अरे बोल, तू कुछ ज्यादा ही फास्ट है। गाइस फास्ट मतलब बहुत ज्यादा फास्ट हूँ यार मैं। गाइस ये स्केलेटन टीरेक्स काफी ज्यादा फास्ट है। One eternity later. Hello guys, तो लास्ट एपिसोड में आप सभी भाई लोगों ने देखा था कि कैसे मैं एक स्केलेटन रेक्स बन गया था। लेकिन बोल्टू अभी अपना मुंह दिखाई क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये एक सरप्राइज होने वाला है गाइस, ठीक है। सरप्राइज आप लोग खुद ही गेस कर सकते हो, मैं कुछ यूज करने वाला हूँ, ठीक है। ये देखो गाइस मैंने क्या यूज करा, ये देख सकते हो। तो ये कौन सा डायनासोर का पावर हो सकता है गाइस? ये मैंने यूज करा है। अरे बोल्टू ने एक साथ कितने सारे डायनासोर्स को मार दिया, इसका मतलब तू बन गया है क्या? गाइस इसका मतलब समझे, इसका मतलब मैं बन गया हूँ द सेलेस्टियल रेक्स। और आज के इस वीडियो में काफी मजेदार चीजें होने वाली है। क्यों क्यों बोल बोल ना। क्योंकि गाइस आज हम लोग स्कॉर्च आर्ट में जितने भी बॉसेस हैं उन सब बॉसेस के साथ फाइट करने वाले हैं। लेकिन अभी नहीं, एक दो डायनासोर्स को हम लोग बेसिक अटैक देके देखते हैं। अरे बेसिक अटैक क्यों देख नहीं पा रहा? अरे अटक गया भाई। ओके गाइस, अरे यार अटैक शो क्यों नहीं कर रहा है? गाइस एक मिनट गाइस, मुझे अटैक को ऑन करना पड़ेगा ताकि आप लोग को डैमेज दिखा सकूं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फटाक से इसका जो डैमेज मीटर है वो ऑन कर लेता हूं और फिर आप सभी भाइयों का इसका पावर दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले और एक चीज दिखाना है। ये देखो गाइस, इसका ये है लेवल 1002 का। इसके पास अभी मिली डैमेज है 14,553%, मतलब बहुत गाइस, मिलियन में डैमेज देने वाला है ये, ठीक है। और हेल्थ है 8 मिलियन, ठीक है। तो गाइस चलो इसका डैमेज मीटर हम लोग ऑन करते हैं और फिर दिखाता हूं कि इस सेलेस्टियल रेक्स के पास कितना पावर है। वैसे गाइस ए भाई, मैं ड्रैगन ब्रेथ भी यूज कर सकता हूँ, मैं अपने आप को पावर्ड अप भी कर सकता हूँ, मैं यार मुंह से कामे हामे का यूज भी कर सकता हूँ। और गाइस मैं अपने आप को, अरे भाई साहब एक मिनट, अपने आप को लेवल अप कैसे करा सकते थे ये मैं भूल गया यार। A few minutes later. और गाइस आई एम बैक। अरे बोल, तू तो बैक हो चुका है लेकिन तेरे सिर में ये काउबॉय का हेड क्या कर रहा है? अरे गाइस डिजर्ट एरिया है, काउबॉय टाइप थोड़ा सा फीलिंग आ रहा है तो इसलिए गाइस टोपी भी लगा लिया। और तेरा डैमेज का क्या हो गया? डैमेज अभी शो करेगा क्या? हाँ हाँ गाइस, डैमेज तो अभी डेफिनेटली शो करेगा। तो चलो गाइस देखते हैं, पहले इसके ड्रैगन ब्रेथ को यूज करके देखते हैं। ओके गाइस, तो मैंने ड्रैगन ब्रेथ यूज कर 26,349 डैमेज। हाँ तो गाइस ड्रैगन ब्रेथ से 26,000 डैमेज मिलता है। अभी देखते हैं गाइस बाइट से कितना डैमेज। ओ बाप रे गाइस, 2,17,000। अरे 2,17,000 तू सिर्फ बाइट डैमेज देता है, और ये मेन डैमेज कितने का होगा? ओके गाइस मेन डैमेज देखते हैं, ठीक है। अपन अभी मेन डैमेज देखने वाले, तो मैंने गाइस कामे हमें यूज करा, अब देखते हैं कमान लग। अरे यार बोल, तो सही से निशाना तो लगाना सीख ले भाई। गाइस एक काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर यहाँ पे ऐसे मारना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग को शायद से डैमेज देखने को मिलेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि दूर अगर डायनासोर्स होंगे तभी तो हम लोग को डैमेज के बारे में पता लगेगा ना। तो गाइस मैंने यूज करा, अब देखते हैं। अरे बोल, तेरा तो डैमेज मतलब कम दिखा रहा है। अरे पता नहीं गाइस क्या ही सीन हो गया, ठीक है। ओ नहीं नहीं गाइस, ये अभी तक डैमेज दे ही रहा है, आप लोग जैसे देख सकते हो। क्योंकि जब मैं अपना मेन अटैक यूज करता हूँ कामे हमें, तो क्या होता है गाइस, एक पूरे एरिया में उसका जो डैमेज इफेक्ट होता है ना, वो बहुत देर तक रहता है, तो मतलब कंटिन्यूअस डैमेज मिलता है। अच्छा ऐसा सीन है क्या? हाँ गाइस ऐसा, लेकिन मैं जमीन में अटैक कर सकता हूँ क्या? ओके गाइस देख सकते हो गाइस, 1,00,000 मतलब हाँ ठीक ठाक डैमेज है गाइस। एंड मैं इसके बारे में बोल रहा था, ठीक है, 1,00,000 डैमेज दे रहा है, मतलब पता नहीं क्या ही सीन है, इसको तो मिलियंस में डैमेज देना चाहिए था, बट इट्स ओके। अभी मैं एक काम करूंगा गाइस, मैंने जैसे कि बोला था कि आज स्कॉर्च आर्ट में जितने भी बॉसेस हैं उन सभी बॉसेस को मैं हराने वाला हूं, और जब मैं बॉसेस को हराऊंगा गाइस मैं तुरंत एक केओस या स्पिरिट में से एक टीरेक्स में बदलने वाला हूं, ठीक है। तो चलो गाइस इधर से निकलता है। तू क्या घूर रहा है भाई, क्या घूर रहा है? अरे इसको मार के देख, ये एक अल्फा है, देखते हैं। अरे मैं इस अल्फा को बाइट क्यों नहीं कर पा रहा हूं, Let me see. अरे हट जा भाई। Okay guys, 2,17,000 इसका बेसिक डैमेज है। बाकी चलो guys, और टाइम जाया नहीं करेंगे और सीधा हम लोग आज
फाइट करेंगे गाइस बॉस के साथ, ठीक है? लेट्स गो। Approximately 10 hours later. Well, hello guys. तो मैं आ गया हूँ guys. जैसे कि देख सकते हो मैं ब्लू टर्मिनल में आ गया हूँ और स्कॉर्च आर्ट में एक ही बॉस है और वो है मेंटीकोर। हाँ गाइस, मेंटीकोर यार। एंड मेंटीकोर क्या चीज है, आप लोगों को एक पिक्चर लगा के यहाँ पे दिखा दूंगा। मेंटीकोर लायन, स्कॉर्पियन और एक दो जानवर का मिक्स है, ठीक है? आप सभी भाइयों को अगर पता है कौन कौन से डायनासोर का मिक्स है मेंटीकोर, आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है? फिलहाल मैं जाता हूँ मेंटीकोर के साथ लड़ने के लिए, देखते हैं मैं अकेला एक सेलिस्टल डायनासोर मेंटीकोर को हरा पाऊंगा कि नहीं। लेट्स फाइंड आउट गाइस, और वो भी मैं हार्ड मेंटीकोर के साथ फाइट करने वाला हूँ। ओके ओके गाइस, तो मैं अभी टेलीपोर्ट होने वाला हूँ, मेरे पास 24 सेकंड्स है और मेरे को डर भी लग रहा है क्योंकि मेंटीकोर गाइस उड़ सकता है। अरे तो क्या हुआ यार, तू तो एक सेलिस्टल टीरेक्स है यार, तेरा डैमेज भी बहुत ज्यादा है। पता नहीं गाइस मेंटीकोर के साथ अभी लड़ाई में क्या होने वाला है, आप लोगों को क्या लगता है गाइस, सेलिस्टेल रेक्स मेंटीकोर को हरा पाएगा? आराम से हरा पाएगा यार। अरे बनी तेरे को फुल बिलीव है ना, तो फिर हाँ गाइस हम लोग कर सकते हैं, लेट्स डिफीट द मेंटीकोर और फिर हम लोग ड्रैगन को हराएंगे, ठीक है? ओके गाइस मैं चला। ओके गाइस तो मैं आ गया हूं, वो रहा मेंटीकोर। ओ नो, ये क्या हो रहा है भाई? ओहो। ओके मेंटीकोर आजा गाइस, देख सकते हो ये मेंटीकोर मेरे को चेस कर रहा है। अरे इस मेंटीकोर को क्या लगा, ये मेरे को हरा पाएगा? आजा मेंटीकोर, तेरे को दिखाता हूँ, आजा। मैं कामे हमें यूज कर रहा हूँ गाइस। ओ भाई ये कामे हमें अटैक से बच गया यार, ये कामे हमें अटैक से बच गया। एंड गाइस मैं काफी स्लो महसूस क्यों कर रहा हूँ पता नहीं। अरे बोल सही से अटैक कर, ये तो मिसाइल से अटैक यूज कर रहा है इसकी। गाइस मेंटीकोर को 38,000 का डैमेज पड़ा। क्या ओ ये क्या हो गया? ओ मेंटीकोर अल्फा हैज बीन डिफीटेड गाइस, मेंटीकोर अल्फा हैज बीन डिफीटेड। लेकिन तेरे को क्या हुआ यार? मेरे को गाइस पॉइजन इफेक्ट मिल गया, इसलिए मैं गाइस देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन गाइस मैंने एक ही कामे हमें से मेंटीकोर को हरा दिया। अरे यार देख क्यों नहीं पा रहा हूँ। ओके गाइस देख सकते हो ये है मेंटीकोर। मेरे को लगा नहीं था कि मैं मेंटीकोर को एक ही फटके में हरा पाऊंगा और वो भी एक अल्फा मेंटीकोर को। तो चलो इसको खा ही जाते हैं भाई, खा ही जाते हैं, तेरे को खा जाएंगे भाई। सेलिस्टल टीरेक्स ओपिन द कमेंट सेक्शन गाइस, फिर से फाइट करूं क्या? और एक बार फाइट हो जाए क्या बोल? हां गाइस कर सकते हैं, और एक बार फाइट करूं क्या मेंटीकोर के साथ? हां मेरा पेट भरा नहीं, ठीक है? इस बार क्या करेंगे गाइस, इस बार बेसिक अटैक से मेंटीकोर को हराने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके गाइस मैं दोबारा से जा रहा हूं गाइस, मेरे पास 24 सेकंड है और 24 सेकंड में अभी तो 22 सेकंड ही है। तो गाइस मैं अभी जाने ही वाला हूं फिर से मेंटीकोर के दुनिया में। इस बार मेंटीकोर से मैं भागूंगा नहीं, ठीक है? इस बार मेंटीकोर के साथ मैं आमना सामना करके मतलब फेस टू फेस फाइट करेंगे। अरे वाह बोल, तू तो काफी बहादुर बन गया। अरे यार मैं छोटे से उम्र से मेरे को लोग बहादुर बुलाते थे। वो तो तेरे को शक्ल देख के बोला होगा। अरे बनी सिर्फ शट अप यार। ओके मेंटीकोर आजा आजा, मैं इधर ही हूँ, आजा आजा डम है तो आजा भाई, आजा मेंटीकोर। तू नहीं आएगा तो मैं तेरे को ऐसे फटके देके भी मार सकता हूँ। मेंटीकोर हैज बीन डिफीटेड। अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली निकला यार। गाइस सेलिस्टियल सर, सेलिस्टियल यार, सेलिस्टियल के सामने गाइस कोई भी टिक नहीं पाता है ब्रो, मजा आ गया यार। मेरे को खुद से बिलीव नहीं हो रहा है कि एक ही फटके में, और वो फटका भी क्या ऑसम फटका था, एकदम डायरेक्ट मुंह में जाके गिरा यार। थैंक यू सो मच यार। चलो गाइस अभी दूसरा फाइट देखने वाले हैं हम। 2000 years later. Well, hello guys. अरे बोल तू तो ascended celestial T-Rex बन गया है। हाँ guys, क्योंकि मैंने मेंटीकोर को दो दो बार हराया था, इसलिए guys मैं बन गया हूँ guys ascended celestial T-Rex. And guys एक चीज मैं आप सभी भाइयों को पहले दिखाना चाहूंगा, इसका level 1002, इसका health देख सकते हो 150 million, 154 million इसका health, और damage तो देख ही सकते हो भाई, percentage में है 18,993, मतलब 33 यार। ओ भाई ये तो काफी powerful होगा, फिर देखते हैं इसको बाइट देके। Oh my god, who the hell cares? इसका बेसिक डैमेज ही गाइस 1 million है गाइस, बेसिक डैमेज ही 1 million। अरे भाई तू कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है यार, इसका मेन डैमेज मार के दिखा। ओके गाइस मेन डैमेज करके दिख रहा। अरे क्यों इट वाज एट दिस मोमेंट यार। अरे रे बोल सही से लगा ना भाई। अरे रुक जा मेरे भाई, लगा नहीं पा रहा हूं। गाइस क्या हो गया, इसका मेन अटैक क्यों काम नहीं कर रहा है? Approximately 10 hours later. गाइस मेरे को सबसे जो चीज हंसी आ रहा है अभी वो है कि गाइस ये कामे हमें यूज ही नहीं कर सकता है। अरे ऐसा क्यों बोल? पता नहीं गाइस, कामे हमें यूज नहीं कर सकता यार। मैं आप सभी भाइयों को एक चीज दिखाना चाहूंगा, ठीक है? एक मिनट गाइस दिखाते हैं गाइस, इसका ड्रैगन ब्रेथ का पावर भी टेस्ट कर लेते हैं। ओ भाई साहब ये तो ऑलमोस्ट 3-4 million का डैमेज दे रहा है भाई ड्रैगन ब्रेथ से। एंड एक चीज मेरे को अभी मालूम चला कि मैं कंट्रोल सी से
पावर्ड अप कर सकता हूँ, ठीक है, अपने सेलिस्टल को और ज्यादा शक्तिशाली बना सकता हूँ, और कंट्रोल जेड से मैं अपने सेलिस्टल को सुला भी सकता हूँ ऐसे करके। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं सी प्रेस करके देख सकते हो, सी प्रेस करके, या फिर गाइस एक्स प्रेस करके, या फिर क्यू प्रेस करके, प्रेस ठीक है, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ यार, पता नहीं गाइस क्यों। तो चलो गाइस ड्रैगन के साथ ऐसे ही बदल करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को मालूम है कि कैसे मैं एसेंडेड सेलिस्टल टीरेक्स बन करके कामे हमे का यूज कर सकता हूँ, तो आप लोग डेफिनेटली मेरे को कमेंट करके बोलिएगा, ठीक है। One eternity later. गाइस मैं रस्ते से जा रहा था एंड मेरे को यहाँ पे एक रीपर दिखाई दिया, तो चलो रीपर लड़ेगा क्या मेरे साथ, चलो गाइस इसको अटैक करने देता हूँ, ये अटैक नहीं करेगा क्या? ओ रीपर मेरे साथ लड़के दिखा, अब देखते हैं गाइस ये फाइट करेगा कि नहीं। अरे रीपर तू तो तेरे को तो एक ही बाइट में मार डालेगा। ओ ये मरा नहीं यार, अब शायद से ये मेरे को अटैक करने वाला है। ओ भाई 8000 का डैमेज, ओ भाई ये क्या फेंक रहा है मेरे ऊपर। तो रीपर काफी शक्तिशाली होते हैं, लेकिन अब तेरे को दिखाता है मैं, अब तेरे, ओ ओ ओ ओ गाइस इसने मेरे को पहाड़ से नीचे गिरा दिया। ओ वाह, चल तेरे को दिखाता है मैं क्या चीज है। आजा, रीपर वर्सेस अभी सेलेस्टियल रेक्स होने वाला है। मेरे पास कामे हमें नहीं है ना, तो तेरे को मैं, ओ भाई ये तो, अरे मार डाला ना मैं गाइस इसको, मार के राख कर दिया इसको। भाई इस रीपर ने तो मेरे को काफी पावरफुल हमला कर दिया। एंड गाइस पता नहीं ये कामे हमें क्यों काम नहीं कर रहा यार, आई हैव नो आइडिया गाइस। तो चलो गाइस ड्रैगन के साथ लड़ने के लिए जा रहे थे, तो ड्रैगन के साथ ही लड़ेंगे ना ब्रो, लेट्स गो। ओके गाइस तो मैं आ गया हूँ रेड ऑब्लिक्स में, तो यहाँ से मैं एक पोर्टल क्रिएट करने वाला हूँ और मैं फाइट करने वाला हूँ गाइस हार्ड ड्रैगन बॉस के साथ, मतलब अल्फा ड्रैगन बॉस के साथ, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होने वाला है, लेट्स क्रिएट द पोर्टल इन 3, 2, 1 गो। ओके जी तो देख सकते हो गाइस पोर्टल क्रिएट हो रहा है ड्रैगन वर्ल्ड के लिए, तो गाइस मैं अभी जाने वाला हूँ, देखते हैं ड्रैगन तो काफी शक्तिशाली है, ठीक है, और ये ऊपर से एक अल्फा ड्रैगन। अरे बोल तो टेंशन मत ले यार, ये सेलेस्टियल है और वो भी एसेंडेड सेलेस्टियल। अरे अल्फा वाला ड्रैगन बॉस के साथ ना बहुत सारे पंटर लोग भी आते हैं, मतलब बहुत सारे मिनियंस भी देखने को मिलेंगे, तो चलो देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। ओके गाइस तो मैं आ गया हूँ, वो रहा ड्रैगन। ओ भाई ड्रेगो, अरे ये मैं घूम क्यों नहीं पा रहा हूँ। ओके तो चलो गाइस मेरे पास अभी तो फिलहाल कामे हमें है नहीं, मुझे पता नहीं गाइस मैं इसके साथ कैसे फाइट करने वाला हूँ, बट मजेदार होने वाला है, ठीक है। आजा ड्रैगन नीचे आजा भाई, ये ड्रैगन तो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो चलो उस ड्रैगन के पास हमें खुद से ही चलना पड़ेगा। अरे यार कामे हमें है नहीं ना, तो मैं, मुझे देखना था कि क्या मैं कामे हमें से इस ड्रैगन को एक ही फटके में मार सकता हूँ। अभी मारेंगे कैसे यार, अभी मारेंगे कैसे, ये नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाई नीचे आजा भाई, गुस्सा मत दिला भाई। गाइस मैं इसके पास जाऊंगा कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार। ओके गाइस आई थिंक ये नीचे आने वाला है, अभी जैसे ये नीचे आएगा इसके ऊपर मैं हमला बोलने वाला हूँ, ठीक है। वो ये कहाँ जा रहा है भाई, वो ये चला गया क्या ड्रैगन? अरे सारे ड्रैगन तू डर गया क्या? ड्रैगन डरता नहीं, ड्रैगन मारता है। अच्छा फिर डम है तो नीचे आकर के दिखा भाई, हैं सेलेस्टियल रेक्स हूँ इसलिए डर रहा है ना। लेकिन मैं एक अल्फा ड्रैगन हूँ। अच्छा अगर तेरे पे इतना कॉन्फिडेंस है तो नीचे क्यों नहीं आता? ठीक है आता हूँ सेलेस्टियल रेक्स। सेलेस्टियल नहीं एसेंडेड सेलेस्टियल बोल, ठीक है। अरे ये नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है गाइस। अरे मेरे को लग रहा है कि ये सही में डर गया यार तेरे से। अरे बनी डरता वरता मैं हूँ नहीं, ठीक है मैं अपना पावर इंक्रीज कर रहा हूँ। अच्छा तू उड़ उड़ के पावर इंक्रीज करता है क्या? देख मैं तो ज्वालामुखी में भी चल सकता हूँ भाई, दम है तो नीचे आकर के दिखा। ओके गाइस अभी शायद से ये नीचे आने वाला है। 2000 years later. तेरी तू नीचे आएगा कि नहीं बोल, तू नीचे आएगा कि नहीं? मैं नहीं आऊंगा नीचे, तू मेरे को पकड़ के दिखा। गाइस टेंशन मत लो, मैं तो एक एसेंडेड सेलेस्टियल हूँ तो मैं भी उड़ सकता हूँ। अरे यार तू कैसे उड़ रहा है? क्योंकि मैं एक एसेंडेड सेलेस्टियल रेक्स हूँ यार। आजा तू आएगा कि नहीं? हाँ तू तो इस एरिया से बाहर ही नहीं जा पाएगा। मेरे पास पंख भी नहीं है फिर भी उड़ रहा हूँ भाई, पास आकर के दिखा, पास आकर के दिखा तू। ओके आ रहा हूँ, अब मुझे मार के दिखाइयो तू। ओके ये मेरे को बहुत ज्यादा बोल रहे, गाइस इसको मैं पकड़ नहीं पा रहा यार। बोल ये ड्रैगन है ये काफी तेज है। तो मैं कम तेज हूँ क्या? अरे यार गाइस ये नीचे नहीं आएगा ना, ये नीचे नहीं आएगा ना। मैंने बोला था ना तेरे को सेलेस्टियल रेक्स, तू मेरे को कुछ नहीं कर पाएगा। ये ले। अरे तूने मुझे मार दिया यार। गाइस मार के इसको राख कर दिया, देख सकते हो मैंने अल्फा ड्रैगन को फाइनली मार ही दिया। तो गाइस चलो अपने इस रेक्स को अभी नीचे उतारते हैं। ओके गाइस तो आप सभी भाई लोगों ने देखा कि कैसे मैंने एक अल्फा ड्रैगन को उड़ उड़ के मारा, ठीक है। और बाप रे ये तो गाइस काफी अभी खतरनाक दिख रहा है।
सो गाइस, अगर आप लोग को देखना है स्पाइडर बॉस के साथ फाइट और गाइस येटी बॉस के साथ फाइट और दूसरे बॉस के साथ भी फाइट, तो आप सभी भाई लोग को क्या करना है? आप सभी भाई लोग को इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करना है। लाइक एम रखते हैं 10,000 का। ठीक है गाइस 10,000 लाइक एम करते हैं। अगर आप लोगों ने 10,000 लाइक एम को कंप्लीट कर दिया तो मैं आप सभी भाई लोग को दिखाने वाला हूँ स्पाइडर बॉस, यट्टी बॉस और ढेर सारे बॉस जितने भी बॉस है सभी बॉसेस के साथ फाइट करने वाला है। और शायद से गाइस स्पाइडर बॉस और यट्टी बॉस को डिफीट करने के बाद मैं केओस रेक्स या स्पिरिट रेक्स बनने वाला हूँ। एंड गाइस आप लोग देख पा रहे हो मैं अभी 686 के सब्सक्राइबर में हूँ। इसका मतलब गाइस मैं बहुत जल्द 7 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाला हूँ एंड आप सभी भाइयों के कृपा के लिए। ठीक है, आप सभी भाई लोग ने मेरे को इतना सपोर्ट करा तो थोड़ा सा और सपोर्ट कर दो। जितने भी न्यू भाई लोग हो, जितने भी नए मेंबर्स हो, यार सब्सक्राइब कर लो अपने बोल भाई के चैनल को, जल्दी से 7 लाख सब्सक्राइबर पहुंचा दो और अपने बोल भाई के इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर लेना गाइस। ठीक है, मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए गाइस आप लोग अच्छे से रहो, मजे में रहो। ओके गाइस, यहां पे देख सकते हो एक प्राइमल मेगालोडॉन है तो इसको भी चलो मार के देखते हैं। लड़ेगा क्या भाई आजा। गाइस देखते हैं इस प्राइमल मेगालोडॉन को। बाप रे गाइस, प्राइमल मेगालोडॉन को तो मैंने ऐसे ही एंगवी डिफीट कर दिया। तो ये है पावर एक्स सेलेस्टियल रेक्स का। मिलते हैं गाइस, बाय बाय गाइस, टेक केयर। Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me, no more.